हेलो दोस्तों, वेलकम टू रेट टू सक्सीड। आज हम बात करने वाले हैं BSF की तरफ से जो हेड कॉन्स्टेबल की वैकेंसी निकाली गई है उनके बारे में। तो इसकी जो है क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहने वाली है, एज लिमिट क्या रहेगी और आपकी सैलरी क्या रहेगी, तो सारी चीज़ें इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की नई अपडेट या कोई नई वैकेंसी आती है तो उससे रिलेटेड वीडियो मिल सके। तो चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। इसके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो 15 नवंबर 2021 से स्टार्ट हो चुके हैं और इसकी जो लास्ट डेट रहने वाली है 29 दिसंबर 2021 रहेगी। इसके आगे हम बात करें जो है वैकेंसी डिटेल्स के बारे में, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो 72 निकाली गई हैं। इसमें जो है ASI और हेड कॉन्स्टेबल कारपेंटर, हेड कॉन्स्टेबल प्लम्बर और कॉन्स्टेबल सेवरमैन और जनरेटर ऑपरेटर, जनरेटर मैकेनिक जो है इनके अलग अलग पोस्ट इनकी निकाली गई हैं। लाइनमैन की भी 11 वैकेंसी हैं, तो इनके जो है अलग अलग पोस्ट पे अलग अलग नंबर ऑफ वैकेंसीज निकाली गई हैं। इसके आगे हम बात करें जो है इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में पोस्ट वाइज, तो इसमें आपका जो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ASI जो है उसके लिए एक पोस्ट है, और इसके लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखी गई है 10th पास रखी गई है, प्लस आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए ड्राफ्ट्समैनशिप सिविल में। तो ड्राफ्ट्समैनशिप सिविल में आपका डिप्लोमा है तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें आपकी जो है जो हाइट रहने वाली है वो 167.5 सेंटीमीटर रहेगी, फीमेल की 157 सेंटीमीटर रहेगी, और जो इसमें चेस्ट है वो 80 से 85 रहने वाला है, यानी 80 आपका नॉर्मल और एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर चाहिए। इसके आगे हम बात करें हेड कांस्टेबल कारपेंटर और हेड कांस्टेबल प्लम्बर की, तो इसमें हेड कांस्टेबल कारपेंटर की 4 वैकेंसी हैं और हेड कांस्टेबल प्लम्बर की 2 वैकेंसी हैं। तो इसमें क्लास 10th मांग रहे हैं और आपके पास ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए रिलेटेड ट्रेड में 3 साल का, यानी प्लम्बर या कारपेंटर की जो ट्रेड होती है उनमें आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस जो है एक्सपीरियंस भी होना चाहिए और ITI सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। हाइट की बात करें तो 165 सेंटीमीटर हाइट रहने वाली है फीमेल कैंडिडेट्स की, 157 सेंटीमीटर हाइट रहेगी और चेस्ट जो है 76 से 81 सेंटीमीटर चेस्ट रहने वाला है। इसके आगे हम बात करें सेवरमैन और ऑपरेटर, जनरेटर ऑपरेटर की, तो इसमें आपके जो है दोनों में ही 10th मांगा जा रहा है और दोनों में ही रिलेटेड ट्रेड्स के लिए जो है आपका ITI सर्टिफिकेट होना आवश्यक है, और जो है इनमें आपकी हाइट भी सेम रखी गई 165 सेंटीमीटर जो है मेल कैंडिडेट्स के लिए, 157 सेंटीमीटर फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है, और 76 से 81 सेंटीमीटर इसमें चेस्ट रखा गया है। और बात करें जनरल ऑपरेटर की, इसका जो है 76 से 81, इसका भी जो है सेम पैटर्न रखा गया है। बात करें कांस्टेबल जनरेटर मैकेनिक और लाइनमैन की, तो इसमें जो है सेम क्राइटेरिया ही रखा गया है, 10th पास, ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए और हाइट जो है 165 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट्स के लिए, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 157 सेंटीमीटर। इसके आगे हम बात कर लेते हैं इसकी जो है एज लिमिट के बारे में, तो इसकी जो एज लिमिट है वो 18 से 25 साल रहेगी, तो अगर जो आप 18 से 25 साल के बीच में हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बात करें हाइट और जो है चेस्ट की, तो इसमें इसके बारे में हम जो है पहले बात कर चुके हैं, तो इसके आगे हम बात करते हैं वेट के बारे में, तो वेट जो है आपके हाइट के अकॉर्डिंग रहेगा, जैसे ही आपकी हाइट रहेगी उसी के अकॉर्डिंग वेट मेजरमेंट किया जाएगा। इसके आगे हम बात करें फिजिकल स्टैंडर्ड जो है हमने देख ही लिया है, और इसके आगे हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, तो सिलेक्शन प्रोसेस इसमें कई स्टेजेस में डन होने वाला है। पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, फिर आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा, उसके बाद में फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी PST होगा, फिर PET होगा यानी फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, और उसके बाद में प्रैक्टिकल ट्रेड टेस्ट होगा आपका, मेडिकल एग्जाम होगा, उसके बाद में फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। तो अगर जो आप ये जो है स्टेजेस क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन इसमें हो जाएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं इसकी सैलरी के बारे में, तो इसकी जो सैलरी रहेगी ASI की वो 29,200 से 92,300 रहने वाली है 7th पे के हिसाब से, और बात करें हेड कांस्टेबल की तो इसमें 25,500 से 81,100 रुपये हेड कांस्टेबल की सैलरी रहेगी। कांस्टेबल लेवल की बात करें तो इसमें 21,700 से 69,100 रुपये कांस्टेबल लेवल की सैलरी रहने वाली है, तो सैलरी भी काफ़ी अच्छी है। तो अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो इसके लिए अप्लाई जरूर करिएगा। तो चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको जब भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की नई अपडेट या कोई नई वैकेंसी आती है तो उससे रिलेटेड वीडियो मिल सके। थैंक यू।